सफीरे पाकिस्तान मोहम्मद हारून शौकत साहब, सबसे पहले तो हमें मुलाकात देने पर आपका शुक्रगुजार हूं। आप ये बताइए कि तुर्की और पाकिस्तान के तल्लुका जो हैं वो इस वक्त किस नहज पर है और कब से आप तुर्की में हैं और मजीद कब तक तुर्की में रहेंगे? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया आपसे बात करने का। मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तुर्की में और ये मेरे लिए एक इंतहाई फ़ख्र का मुकाम है और मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि मैं एक इंतहाई पाकिस्तान की के करीबी दोस्त मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे बाहमी तल्लुकात सिर्फ बुलंदी की तरफ माइल हैं, आप जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के जो सियासी तल्लुकात हैं वो हर दौर में बेहतरीन रहे हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान अवाम की और हुकूमतों की मोहब्बत बड़ी दरीना है, ये तारीखी है और ये इसकी जो जड़ें हैं वो अवाम में हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक बड़ा ख़ास एम्फसिस दिया जा रहा है तुर्की के साथ कोऑपरेशन को, और ये जो तल्लुकात हैं इसकी बुनियादी सिमत इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर्स की तरफ बदली गई है और आप देखते हैं कि उसके असरात आप देख रहे हैं। लाहौर शहर में जो सफाई का इंतज़ाम है वो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन चुका है, लाहौर शहर में मेट्रो बस का जो इंतज़ाम किया गया है वो एक मिसाल बन चुका है। इसी तरह से जो अर्थक्वेक और सैलाब के बाद तुर्की से हमें इनकी इमदाद आई जिसमें रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम थे, वो भी एक बड़ी उम्दा स्टैंडर्ड के काम है, जिसमें बतौर ख़ास एक अस्पताल बनाया है इन्होंने मुजफ्फरगढ़ में जिसकी ओपनिंग जून के महीने में होगी और कहा जाता है कि वो अस्पताल एक मिसाली अस्पताल है। इसी तरह से तुर्की में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये सिर्फ तुर्की की हुकूमत की जानिब से नहीं है, ये हमारा अपना इनिशिएटिव है। हमारी जो हायर एजुकेशन काउंसिल है उसने 5-6 तुर्की की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं और मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को हुकूमत पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पर भेजा जाता है, और मेरी ज़ाती नज़र में इससे बेहतर फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीमी इदारों में अच्छे डिसिप्लिन में तालीम के लिए भेजें। इसके साथ साथ एनर्जी का शोबा है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा है, इसके साथ साथ म्यूनिसिपल सर्विसेज का शोबा है, इसमें बेतहाशा बड़े ही अच्छे इम्कानात हैं। अभी आपको मालूम है लाहौर कराची मोटरवे बनने जा रहा है, जैसी उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, जैसी उसके टेंडर्स होंगे, मुझे यकीन कामिल है कि 5-6 बड़ी तुर्की कंपनियां उसमें शामिल होंगी। खुदा बेहतर जानता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी जीतेगी, लेकिन तुर्की का ऐसे मामलात में बड़ा कीन इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ एनर्जी के शोबे में आप जानते हैं कि जोरलू ने पाकिस्तान में पहला विंड पावर स्टेशन लगाया है, इसके साथ फिनर्जी एक फीबा की एक ब्रांच है, एसटीएफए है, इन्होंने विंड एनर्जी में किया है, कोल एनर्जी में इंटरेस्टेड है, हाइड्रल प्रोजेक्ट्स दासू और भाषा, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नूरऑल है, जैसे लीमाक है, जैसे गामा है, जैसे कोच ग्रुप भी बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है। म्यूनिसिपल सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सफाई का इंतज़ाम, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, पानी की सफाई, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी हाई पावर डेलीगेशन आया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए भी हमारी इनके साथ बहुत ही आला पैमाने पे तावन जारी है, और जिसके असरात आप आने वाले हफ्तों और महीनों में देखेंगे, सालों में नहीं। और उसकी मिसाल वो भी प्रोग्राम बेसिकली पंजाब से शुरू हो रहा है। सर, आपको तुर्की कैसा लगा? तुर्की यहाँ पे आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए? मैं समझता हूँ कि तुर्की में जो अपने खित्ते को देखते हुए यहाँ के आवाम की का एक टॉलरेंट एटीट्यूड और एक महजब रवैया यकीनी तौर पे इस्लामी दुनिया में एक मिसाली है, और ये अब से नहीं है, ये हमेशा से है, लेकिन इस मौजूदा दौर में जो एक अक्रॉस द बोर्ड तरक्की तुर्की में
तुर्की मौजूदा हुकूमत के तहत हुई है वो एक मिसाल है, जिसमें कि एक आम आदमी की कंडीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और सोशल सेक्टर्स में इनकी जो तरक्की है वो काबिल दीद है, मिसाल के तौर पे हेल्थ में, मिसाल के तौर पे एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, म्यूनिसिपल सर्विसेज में, बेसिक कम्युनिटीज़ में, ये चीज़ें मुल्क के कोने कोने में हर तुर्क के लिए मौजूद हैं। ये इंतहाई एक अच्छी एग्जाम्पल है जिसे फॉलो करना चाहिए। सर, पाकिस्तान तुर्की के दरमियान जो इस वक्त तजारत जो है वो कितना है, उसका हजम है, और कब तक आप 2015 तक इसको कितना ले जाने का आपका आइडिया है या हदफ है? देखिए, इस वक्त जो तजारत है वो हमारी कोई बहुत बड़ा इम्प्रेसिव फिगर नहीं है। 2011 में हमने $1 बिलियन का हदफ अचीव किया था, उसके बाद थोड़ी सी तजारत कम हुई। उसकी वजह ये थी कि तुर्की में सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगाई गई टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 60% टेक्सटाइल्स हैं। इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं था, उसके ऊपर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ GDP ग्रोथ बढ़ेगी, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उसका यकीनी तौर पे एक्सपोर्ट्स पर असर होगा। हम बड़े नए नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स को देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये कई गुना बढ़ जाएगा आने वाले सालों में, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो डायनेमिज्म है वो प्ले करेगी। आज के दौर में हुकूमतें फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती हैं, जो रियल इंजन ऑफ ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर तुर्की में जैसे 70 के अशर में था, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर बहुत बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी उस पैमाने पे नहीं जिस पैमाने पे मिसाल के तौर पे तुर्की का प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले ये हुकूमत हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये बिज़नेस फ्रेंडली हुकूमत है, इन्होंने बहुत सी मराद दी हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, और उससे यकीनी तौर पे कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा और जो बामी तजारत पर भी उसका यकीनी असर पड़ेगा। सर, आपसे आखिरी सवाल है कि तुर्की के रेडियो टेलीविज़न जो है उसके ड्रामे जो पाकिस्तान में तो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पर कोई ना ड्रामा है ना कुछ है, ना खबरें वगैरह भी नहीं है, इससे दोनों रेडियो और टीवी चैनल के दरमियान किस किस्म का तावन कैसे किया जा सकता है, इस सिलसिले में आप क्या किरदार अदा करना पसंद फरमाएंगे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक तकरीबन एक तरह का क्रेज़ है टर्किश प्लेस का, जो कि बड़े खूबसूरत ड्रामे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो टेलीविज़न ड्रामास हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, वो शायद क्वालिटी में तुर्की ड्रामा से बेहतर हैं, लेकिन उसकी वो पब्लिसिटी नहीं है और हमारे पास ऐसे फोरम्स शायद नहीं हैं कि जो जिसके ऊपर हम ये बामी एक्सचेंज कर सकें। एक ज़माना था जब टीवी पाकिस्तान में PTV था और यहाँ पे TRT था, अब यहाँ पर भी BCO प्राइवेट चैनल्स हैं और पाकिस्तान में भी BCO चैनल्स हैं, और जो अच्छे ड्रामे बनते हैं वो प्राइवेट चैनल्स पर बनते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा फोरम क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम दोनों मुल्कों के प्राइवेट चैनल्स को यकजा कर सकें, उनको आपस में मिला सकें, और फिर यकीनन हर मुल्क और हर चैनल अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देखता है। पाकिस्तान में टर्किश ड्रामों की मकबूलियत को देखते हुए एक से ज़्यादा चैनल्स ने टर्किश ड्रामा दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये इनिशिएटिव यहाँ पर किसी ने लिया, ये इनिशिएटिव एक्चुअली इस तरफ रेस्ट करता है कि अगर तुर्की में कोई अच्छे ड्रामे जो आपके मेयरी ड्रामे हैं अगर उनको टर्किश में ट्रांसलेट किया जाए, तो मुझे यकीन है क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानियों की और तुर्कियों की जो अकदार हैं वो एक जैसी हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे ड्रामों को पसंद करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ ये हमारी TRT उर्दू जो है नई वेबसाइट शुरू कर रही है, इस सिलसिले में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे कैसे हेल्प कर सकती है, और पाकिस्तान में TRT उर्दू को हम लोग कैसे मुतारफ कर सकते हैं, आप इस सिलसिले में अपना रोल कैसे अदा करेंगे? देखिए, TRT उर्दू सर्विस जो है वो आप समझिए कि आप हमारी एम्बेसी का हिस्सा हैं या एम्बेसी आपकी सर्विस का हिस्सा है। आप हमसे जो मदद चाहेंगे, हमसे जो तावन चाहेंगे, हम हाज़िर हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान में नशरियात पाकिस्तान तक पहुँचाना ये आपके पार्ट पे एक इंतहाई अहम कदम है। आप TRT उर्दू सर्विस बड़ी देर से चल रही है, और आपका बतौर ख़ास फुरकान साहब आपका इसमें बड़ा कलीदी रोल है, और जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आप पाकिस्तान में एक
मारूफ चेहरा हैं और आपकी जो स्किल्स हैं इस शोबे की उसको यूनिवर्सली रिकग्नाइज़ किया जाता है। लेकिन मैं ये आपको पूरे वसूख से कहूँगा और पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि हम आप हमसे जो मदद चाहेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। शुक्रिया सर।